तो नेक्स्ट जो हम बढ़ेंगे दैट इज़ अ सी डी फॉर्मूलाज और कॉस ए प्लस बी फॉर्मूलाज, जितने भी आइडेंटिटीज पेंडिंग बची हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज़ कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इसी सिमिलरली साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये जो आइडेंटिटीज़ है कैसे हम इनको लर्न कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, दैट इज़ सी डी ओ। सी स्टैंड्स फॉर कॉस, ये सिर्फ कॉस के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कॉस, डी स्टैंड्स फॉर डबल, मतलब हम डबल यूज़ करेंगे, पेयर यूज़ करेंगे। ओ स्टैंड्स फॉर ओपोजिट, ओपोजिट साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉस डबल ओपोजिट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस ए प्लस बी, अब देखिए कॉस का फॉर्मूला, ये भी कॉस का फॉर्मूला है, तो कॉस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डबल पेयर। डबल जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कॉस ए कॉस बी और यहाँ पर साइन ए साइन बी। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस ए माइनस बी के लिए कॉस ए कॉस बी और यहाँ पर साइन ए साइन बी मैंने यूज़ किया डबल। ओके, अब साइन ओपोजिट, कॉस के लिए डबल और ओपोजिट साइन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर प्लस है तो आपका माइनस होगा, अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। ऐसे आप एक सेकंड के अंदर इसको लर्न कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी, इसको लिखेंगे साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। सिमिलरली भी यहाँ पर भी साइन ए माइनस बी को साइन ए कॉस बी और यहाँ पर कॉस ए साइन बी। अब यहाँ इन दोनों के लिए आपको ये फॉर्मूला इग्नोर करना है, इग्नोर दिस, इग्नोर करना है मतलब पहले तो मैंने डबल नहीं यूज़ किया, यहाँ पर सिंगल सिंगल यूज़ किया। साइन सेम रखेंगे, ऊपर वाले में मैंने ऑपोजिट किया था और इसमें सेम रखेंगे, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। तो ये आपका एक तरीका हो गया, ठीक है। इन्हीं से हम फर्दर फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है, अगर a इज इक्वल टू बी, अगर मैं इन दोनों को x के इक्वल लिख दूं, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ cos, cos x प्लस एक्स दैट इज़ 2x विच इज़ इक्वल टू cos x, cos x दैट इज़ cos square x, ओके। sin x दैट इज़ sin square x। तो एक हमारे पास ये आइडेंटिटी भी आ गई। इसी से आप और क्या लिख सकते हैं, cos 2x के लिए अगर मैं कॉस को यहाँ पर चेंज कर दूँ 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर एक्स, ओके। अब अगर मैं साइन को चेंज कर दूँ, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स, देन वी कैन ऑल्सो राइट कॉस 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका तो आएगा कॉस एक्स, ऐसे ही आएगा कॉस केयर एक्स, और इसको आप लिखोगे 1 माइनस कॉस केयर एक्स, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और विच इज़ माइनस 1। तो ये आपकी नेक्स्ट टू आइडेंटिटीज़ आ गई। तो आपको बस बेसिकली ये चार फॉर्मूले लर्न करने हैं, उसके लिए आपको मेथड मैंने बता दिया। तो जैसे ही आपको चार फॉर्मूले लर्न होंगे तो नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ आप फटाफट ऐसे निकाल सकते हो, कोई क्रैम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्दर देखिए, अगर मैं यहाँ पर साइन वाले में ए प्लस बी, अगर मैं साइन वाले में ए और बी दोनों को एक्स लिखता हूँ, इसको भी एक्स लिखता हूँ और इसको भी एक्स लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ साइन एक्स प्लस एक्स इज साइन टू एक्स, साइन टू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड कॉस एक्स साइन एक्स विच इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो देखिए मेरे पास साइन टू एक्स का फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है। तो सिमिलरली साइन टू एक्स के फॉर्मूले से अब इसको फर्दर और ऐसे कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 1, और 1 को हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स, क्योंकि हमें पता ना 1 क्या होता है, साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इज 1, किसी भी आइडेंटिटी को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। अब इसको आप डिवाइड करेंगे दैट इज़ बाई कॉस स्केयर एक्स, अगर इस पूरी आइडेंटिटी को मैं कॉस स्केयर एक्स से ऊपर और नीचे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, विच इज़ इक्वल टू 2, ऐसे ही रहेगा। इसको कॉस स्केयर एक्स से डिवाइड करोगे, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बाई कॉस आपका क्या हो जाएगा, टेन, दैट इज़ टेन एक्स डिवाइड बाई
साइन स्केयर बाई कॉस स्केयर इज टेन स्केयर एक्स, अगेन कॉस स्केयर प्लस कॉस स्केयर इज वन। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, दैट इज साइन टू एक्स का। तो देखिए मतलब हम कर कर रहे हैं उन्हीं में से फॉर्मूला को निकालते जा रहे हैं, कोई भी आपको क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ फॉर्मूला और हैं जो आप थोड़े से लर्न कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला निकालना हो, वैसे दो तरीके हैं। अगर मैं लॉन्ग मेथड में जाऊँ तो ये डिवीज़न से भी निकल सकता है, साइन ए प्लस बी को कॉस ए माइनस साइन ए प्लस बी को कॉस ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तब भी आ जाएगा। पर इंस्टेड की इतना लंबा मेथड करने से आप इसको डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं, दैट इज टेन एक्स प्लस टेन वाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। क्योंकि ये फॉर्मेट जो है देखने में बड़ा आसान है, टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स टेन वाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ये देखने में बड़ा आसान है। तो ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हो। और कुछ फॉर्मूले और, जैसे मान लीजिए साइन थ्री एक्स, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज साइन थ्री एक्स। साइन थ्री एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। ये आप लर्न कर सकते हैं। आपको थोड़ा मैं लर्न करने का उसको एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, साइन थ्री एक्स में ये थ्री से स्टार्ट होगा और दूसरा दोनों कंपोनेंट साइन के होंगे। ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिए, इससे ये आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, सो साइन थ्री एक्स इज थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। अब कॉस के लिए आपने क्या करना है, एक तो ये क्वांटिटीज़ को इंटरचेंज कर देना, जहाँ पर साइन आएगा वहाँ पर कॉस, साइन के लिए कॉस, और साइन ऑपोजिट कर देंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह से आप साइन थ्री एक्स ओवर कॉस थ्री एक्स कैलकुलेट कर सकते हो। हमारे पास एक और फॉर्मूला दैट इज टेन थ्री एक्स का। टेन थ्री एक्स को कैसे लिख सकते हो, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स डिवाइड बाई वन माइनस थ्री टेन स्केयर एक्स। और इसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए ऊपर से अगर हम टेन एक्स को कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा, थ्री माइनस टेन स्केयर एक्स डिवाइड बाई ये टर्म ऐसी रहेगी। तो ये थोड़ा सिमेट्रिक फॉर्म में लगता है, टेन एक्स थ्री माइनस टेन स्केयर एक्स वन माइनस थ्री टेन स्केयर एक्स, तो दोनों में टेन स्केयर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप आइडेंटिटीज़ को लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ को भी हम लिख सकते हैं, आपको सिर्फ ये लर्न करना है। ठीक है, टेन एक्स प्लस वाई दैट इज टेन एक्स प्लस टेन वाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। अब इसी से हम फर्दर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, जैसे इससे हमने ड्राइव कर रहे हैं दिस वन, टेन एक्स माइनस वाई। तो टेन एक्स माइनस वाई के लिए जहाँ पर बस प्लस है वहाँ पर आपने माइनस लगाना है, यहाँ पे माइनस है वहाँ पे आपने प्लस लगा देना है। तो जैसे आपका टेन एक्स प्लस वाई का लर्न हुआ, वैसे ही टेन एक्स माइनस वाई में। वन थिंग मोर, यहाँ पर आप देखिए टेन एक्स प्लस वाई में आप लिख सकते हो टेन एक्स टेन वाई, सिमिलरली टेन एक्स माइनस वाई में टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो न्यूमरेटर का फैक्टर वैसे सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में ये प्रोडक्ट में आ जाएंगे, साइन चेंज कर देना, माइनस वाले में प्लस लगाओगे और प्लस वाले में माइनस। अब अगर इसी से आपको कॉट लिखना हो, तो आपको पता है जो टेन का रेसिप्रोकल होता है दैट इज़ कॉट, है ना, उसको रेसिप्रोकल करने के लिए टेन एक्स माइनस वाई के अंदर टेन एक्स टेन वाई इसके सामने आता है न्यूमरेटर के अंदर, कॉट के अंदर ये रिवर्स हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस वाई में कॉट वाई कॉट एक्स जो है नीचे आएगा और ऊपर आएगा कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन। ठीक है, इसके रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। सिमिलरली कॉट एक्स माइनस वाई, जो वाई माइनस एक्स का प्रोडक्ट है वो नीचे आएगा कॉट वाई माइनस कॉट एक्स और ऊपर आपका आएगा कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन। अब मैंने यहाँ पर वाई माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स इसलिए लिखा है ताकि इन दोनों को कंपैरेटिवली आपको लर्न करना इजीली हो जाए। आप अपनी नोटबुक के अंदर तीन से चार बार लिख रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको बड़े इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टेन के फॉर्मूले और कॉट के फॉर्मूले। अब नेक्स्ट देखते हैं सी डी फॉर्मूलास। अब आप लोगों ने सी डी फॉर्मूलों को किस तरह पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला आप लर्न करते हो, ऐसे साइन सी माइनस साइन डी इसका फॉर्मूला भी आप लर्न करते हो। तो इसको मैं सिंपल वे में आपको इन्हीं को यूज़ करके बताऊंगा। जैसे हम अगर मैं सी को ए लिख लेता हूं और डी को बी लिख लेता हूं तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर
फॉर्मूला को चेंज करूँ, जैसे साइन का या कॉस का कोई भी आप फॉर्मूला पिक करके लिख सकते हो। चलो स्टार्टिंग करते हैं साइन ए प्लस बी वाले से। मेरे पास फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। अब मैं इसी से साइन ए माइनस साइन बी लिखने की कोशिश करता हूँ। साइन ए माइनस साइन बी, दैट इज माइनस साइन बी। अब आपने ये देखना कि ये फॉर्मूला प्लस का है या माइनस का। साइन प्लस, प्लस के लिए हम पिक करेंगे फर्स्ट ऑर्डर। देखिए साइन ए प्लस बी किसके इक्वल था, दैट इज साइन ए कॉस बी। तो इसको मैं लिखूंगा साइन ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू। ठीक है, यहाँ पर आपका a आएगा आपने लिखना है a प्लस बी बाय टू, और यहाँ पर b आएगा आपने लिखना है a माइनस बी बाय टू। साइन a प्लस बी को कॉपी करके मैंने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाया और a प्लस बी के लिए फर्स्ट ऑर्डर को पिक किया। और यहाँ पर छोटा सा आपको फैक्ट जो लर्न करना होगा, दैट इज़ टू, यहाँ पर आपको टू भी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो आपका ये फॉर्मूला आ गया। कहाँ से कॉपी किया, हमने कॉपी किया इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब सिमिलरली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, दैट इज साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस बी के लिए सारा ए माइनस बी ये रहा, जैसे ए प्लस बी के लिए आपने फर्स्ट फॉर्मेट को कॉपी किया था, ए माइनस बी के लिए आप सेकेंड फॉर्मेट को कॉपी करोगे, पीछे वाला जो फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी बाय टू कॉस, सॉरी साइन, इट्स नॉट कॉस, साइन, साइन ए माइनस बी बाय टू। ठीक है, ये आपका ऐसे ही रहेगा, साइन ए प्लस बी बाय टू ए माइनस बी बाय टू, ये ऐसे रहेगा। और इसके सामने हम कौन सा फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, टू। सिमिलरली ये आपका दूसरा हो गया सी डी फॉर्मूला। अब लिखेंगे कॉस ए प्लस कॉस बी को। कॉस ए प्लस कॉस बी के लिए हम पिक करेंगे ये वाला फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी। प्लस का है तो कौन सा ऑर्डर पिक करेंगे, तो आंसर है फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टू कॉस कॉस, सो इट इज कॉस ए प्लस बी बाय टू एंड कॉस ए माइनस बी बाय टू। तो देखिए आपको ये लर्न करना आसान हो गया। सिमिलरली ये आपका थर्ड हो गया, तो इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया। अब लास्ट में आपका रह गया कॉस ए माइनस बी। अब माइनस है तो कॉस ए माइनस बी के लिए हम कौन सा ऑर्डर पिक करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर, साइन ए साइन बी। तो हम इसको लिखेंगे टू साइन ए प्लस बी बाय टू एंड साइन ए माइनस बी बाय टू। ठीक है, और यहाँ पर आपको इन चारों फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज़ को लर्न करना है, यहाँ पर माइनस आएगा। कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला इसको लास्ट में लिखेगा और यहाँ पर आपका माइनस आएगा। आपको क्या करना है, फिर से स्टार्टिंग से थोड़ा रिव्यू करते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूले लर्न करने का ऑलरेडी एक मेथड है, दैट इज़ सी डी ओ। मैंने आपको बताया था कैसे इसको लर्न करेंगे। जहाँ पर आपका ए प्लस बी आएगा, प्लस के लिए आपने फर्स्ट ऑर्डर पिक करना है, यहाँ पर ए माइनस बी आएगा उसके लिए सेकेंड ऑर्डर। इन चारों फॉर्मूला को देखिए, ए प्लस बी बाय टू ए प्लस बी बाय टू ए प्लस बी बाय टू ए प्लस बी बाय टू, ये सेम रहेगा। ए माइनस बी बाय टू ए माइनस बी बाय टू ए माइनस बी बाय टू एंड ए माइनस बी बाय टू। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी में फर्स्ट ऑर्डर साइन ए कॉस बी, तो आंसर है साइन ए कॉस बी। साइन ए माइनस बी के लिए, ए माइनस बी के लिए सेकेंड ऑर्डर कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पर कॉस ए सॉरी कॉस ए सेकेंड ऑर्डर साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी के लिए, ए प्लस बी के लिए फर्स्ट ऑर्डर कॉस ए कॉस बी, तो ये होगा आपका कॉस ए कॉस बी। कॉस ए माइनस बी के लिए, कॉस ए माइनस बी के लिए सेकेंड ऑर्डर पिक करना है, तो सेकेंड ऑर्डर हो गया आपका साइन ए साइन बी, तो आंसर है साइन ए साइन बी। तो इस तरह से बिना क्रैमिंग आप इन फॉर्मूला को एक सेकेंड के अंदर लिख सकते हैं। तो ये इजी वे है, आप फ्यूचर में कभी भी इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं फर्दर। तो देखिए जैसे इन चार में से मैंने ये नेक्स्ट चार आइडेंटिटीज़ बना दी। अब हमारे पास फोर आइडेंटिटीज़, वन है टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी सेम फैक्टर, अब ऑपोजिट फैक्टर टू साइन ए कॉस बी एंड टू कॉस ए साइन बी, ये चार आइडेंटिटीज़ और है, ये चारों भी इन्हीं से आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ऐड करता हूँ वन और टू को, इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने पर ये कट जाएंगे सेम है,
ये दोनों सेम है, ये टू टाइम्स आ जाएंगे, दैट इज हमारे पास बचेगा टू कॉस ए कॉस बी, तो ये आ गया लेफ्ट साइड टू कॉस ए कॉस बी। राइट साइड में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करने में आपको आएगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया हमारे पास बाय एडिंग वन एंड टू। आपको क्या करना है, एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और ये दोनों कट जाएंगे माइनस करने पे, इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आएगा टू साइन ए साइन बी। मतलब आपका इन दोनों इक्वेशन में से कॉस वाली में से ये जो डबल एक्स है दो फॉर्मूले निकलेंगे, एक बार दोनों को ऐड करने पे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट टू इक्वेशन साइन की, ये डबल एट में नहीं है, ये सिंगल में है, तो इनको भी एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए पहले ऐड करते हैं, ऐड करने के ऊपर ये दोनों फैक्टर सेम है, ये कट जाएंगे, आपके पास ये आएगा टू साइन ए, ये टर्म आएगी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी, ये टर्म आ जाएगी टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये आपकी आइडेंटिटीज आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 3 माइनस 4, इन दोनों को माइनस कीजिए, जैसे ही आप इन दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करने के ऊपर आपके पास क्या आएगा, देखिए अगर माइनस करते हैं तो लेफ्ट साइड में ये तो माइनस हो जाएगी, आपको थर्ड में से फोर्थ को माइनस करना है, सो यू हैव टू माइनस थर्ड माइनस फोर, थर्ड में से फोर्थ को माइनस करेंगे, राइट साइड में ये आ जाएंगे, ये आपके पास आ गई है, ओके। एंड इस साइड में क्या पिक करेंगे, जैसे इसमें से ये वाले टर्म माइनस करेंगे, सेम है कट जाएंगी, आपके पास ये बचेंगी, सो टू कॉस ए साइन बी, तो लेफ्ट साइड आ गया टू कॉस ए साइन बी। तो जितनी भी हमने इक्वेशंस की हैं ये सिर्फ इन चार फॉर्मूला से ड्राइव किए हैं, तो आपको ये चार फॉर्मूला ड्राइव करने का मेथड पता लग गया बाय सीडीओ, और उनसे ये फर्दर आप ड्राइव कर सकते हो। तो इसके साथ जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है कम्प्लीटली कवर हो चुका है। इसके बाद जो हम देखेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, हमारे मैथमेटिकल टूल्स के टू पार्ट जो पेंडिंग है, दैट इज़ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।